हेलो गाइस, आपका स्वागत है अल्फा शूट में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करते हैं आपके 12th क्लास के बायोलॉजी के। ध्यान सुनिएगा, इसमें हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं आपके, ठीक है। तो बायोलॉजी के इसको बोलते हैं लोग जेब है क्या, ठीक है। तो हम लोग इसमें बायोलॉजी के आपके कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं, कुछ बता दूं कि अगर आपकी कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं है, या फिर आपके जो भाई बहन है जो 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं, या तो उसके बाद कोई अच्छी सी कॉलेज वगैरह में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी कोर्स है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत सारे टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा भी रहे, क्लासेस भी चल रही है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी करने वाले हैं। ओके, क्लास 12th की बायोलॉजी। अभी हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं हम लोग बहुविकल्पी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको बोलते हैं। अगर इसकी बात करें, इसके बाद की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं लेने वाले हैं, ना ही बहुत छोटी, जो भी होगा प्रॉपर होगा। कि आप क्या करना, सारी चीजें समझ लेना, अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, अगर सीयूटी की तैयारी के लिए आप लेच बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन जो भी है, जो आप चाहते हैं कि वो 12th के बाद, या फिर आप अभी से चाहते हैं कि मैं 12th का एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद जस्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी से भी इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 12th क्लास की ही NCERT के बेस्ड में सब कुछ आता है, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ता है, जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग वगैरह जो आते है ना, सब कुछ ये जनरल नॉलेज के ही अंतर्गत आते हैं। तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सीयूटी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसका आपका है, ठीक है, सोने से शिखर तक की अब तैयारी, क्या टॉपर बन सकते हैं, 12th क्लास की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। ओके, लेकिन एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी क्लासेस, उसके बाद आप इसके तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आप अपनी सीयूटी की तैयारी भी बोर्ड परीक्षा के लिए 2024 के लिए अगर बहुत तरीके अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, और हाँ यहाँ पे टॉपर बनने के लिए आपको प्राइज भी मिलती है, ठीक है। तो आप बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, शिखर बैच के लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। डेली क्लासेस चलती है यहाँ पे, लाइव डाउट्स क्लासेस, सब कुछ, नोट्स वगैरह, बुकलेट, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, जो भी जरूरत है आपके एग्जाम के व्यू से, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, और प्लस कंप्लीट सिलेबस, ऐसा नहीं कि आपको आधे सिलेबस करा के आधे में छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। इसके पहले बहुत सारी बैचेस चली है, सारे बच्चे, अगर आपके आसपास कोई होगा जो इसके पहले बैचेस ज्वाइन किया होगा, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मतलब, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, थियरी मिलेगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, गेस पेपर मिलेंगे, जितनी भी चीजें हैं आपके पिछले जितने भी पेपर्स होंगे सबको यहाँ पे सोल्यूशन के साथ सॉल्व कराया जाता है। ओके, मतलब एक महीना लगभग आपको बस ये पेपर ही सॉल्व कराया जाता है सिलेबस खत्म करने के बाद। ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म नहीं किया आपका सॉल्व करा दे, ऐसा नहीं, सिलेबस खत्म करने के बाद आपका सब कुछ प्रिपरेशन कराया जाता है। ओके, तो आपको एक कदम जीरो से आपकी बात करें, आज से ही शुरू करो एक बार, अगर सभी लेना लोग क्या करें, जरूर देखो इसको आके, ठीक है। न्यू बैच है आपका, बिल्कुल सीयूटी का भी है यहाँ पे, तो बिल्कुल जरूर देखो आके, बढ़िया है कोर्सेज, बढ़िया है क्लासेस, तो फटाफट आ जाओ, बहुत सारी इसमें है, सारी बहुत सारी बैचेस भी चलती है, लेकिन आपको जो पसंद है वो याद रखो, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, या फिर सोच रहे कि बोर्ड के बाद मैं कैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे चलाई जाती है, ठीक है। आप बोलोगे मैम बहुत सारा हो गया, प्रचार कर लिया, ये कर लिया, आप क्लासेस पे आ जाओ ना, हाँ ठीक है, क्लासेस पे आते हैं, ठीक है, क्लासेस से आते हैं। चलिए, तो हम लोग इसमें क्या कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा है, बहुत लंबी क्लास नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है, 10-15 मिनट बहुत है।
तो क्वेश्चन है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। ध्यान सुनना, जो एजोला होता है उसकी बात करा कि ये बोल रहा है कि सहजीवी संबंध बनाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये सहजीवी संबंध बनाता है। ठीक है, ये सहजीवी संबंध बनाता है। ठीक है, देखो सहजीवी संबंध का मतलब बताया, तो एजोला जो होता है सहजीवी संबंध, सहजीवी मतलब बात कर सकते हैं कि जैसे किसके साथ वह रह सकता है, ऐसा ऐसा संबंध, मतलब क्या हो जाए कि उसको भी कोई नुकसान ना हो, उसको भी ना हो, एक साथ वह क्या करे, प्रॉपर तरीके से एक बात कर सकते, ग्रोथ कर सके, इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या करे, वो सर्वाइव कर सके। तो इसके किसके साथ, एना बेना के साथ, किसके साथ कर सकता है वो, एना बेना। किसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, किसके साथ होता है ये, एना बेना के साथ होता है। इसका सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अगर एजोला किसके साथ, जैसे बात करते हमारे बॉडी के अंदर कृमि होता है ना, फीता कृमि, सो एस्केरिचिया कोलाई भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे हमारे हेयर्स में जू वगैरह होते हैं ना, डेंड्रफ वगैरह, तो ऐसा होता है परजीवी के रूप में, पैरासाइट के रूप में पड़े रहते हैं, कोई नुकसान नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन हाँ उनको रहने के लिए क्या होता है, जगह चाहिए होता है ना, तो ऐसे इसमें भी होता है। तो बात करेंगे जो एजोला होता है जिसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है, तो एना बेना के साथ बनाता है। क्लियर बातें यहाँ तक बताइए, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न दे रखा है कि टैपलेट, ठीक है, टैपिटल कोशिका, जो टैपिटल कोशिका होती है ना, या फिर उसको टैपिटम कोशिका, टैपिटम सेल्स भी बोलते हैं, बोला है दर्शाती है, क्या दर्शाती है, यह समसूखी कोशिका मतलब सेल डिवीजन करती है, या फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कर। देखो टैपिटल जो कोशिकाएं होती है उसका काम होता है आपका सेल डिवीजन करना, ठीक है, मतलब कोशिकाओं की वृद्धि करना। जैसे मान लीजिए अगर हमको बॉडी में चोट लग जाती है, ठीक है, हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाए, कहीं खरोच लग जाती है, तो क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है ना, और वहां पे देखेंगे चीरा फाड़ा ऐसे लग जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे सेल्स ग्रोथ नहीं करेंगे, अगर हमारी कोशिकाएं विभाजित नहीं करेंगी, ठीक है, अगर हमारी कोशिकाएं विभाजित नहीं करती हैं, तो कैसे वो पूरा सेल रप्चर जो हुआ है कैसे वो भरेगा। कभी सोचा है कि हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, बहुतों के सर फट जाते हैं, वो कैसे ठीक होता है, कभी सोचा है। तो वह सेल डिवीजन करके ही क्या होता है, वो ठीक होता है, ठीक है, सेल डिवीजन करता है, जिसके बाद वो कोशिकाएं क्या होती है, जो रप्चर हुई होती है वो भर जाती है, वो फिलअप हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टैपिटल कोशिकाएं होती है ये क्या दर्शाती है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को दर्शाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। देखो इससे ऐसे भी पूरे चीजें को सब कुछ आप प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अभी कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो 2024 के लिए अच्छा तरीके से मतलब आ सकते हो, यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अल्फा शोर प्रो एप्लीकेशन आपके ऐड भी होगा ना, ऐड दे रखा है आपके स्क्रीन पे, वहां पे कॉल करो, आ सकते हो, आपको हर चीज का मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कराया जाता है, सही बता रहे, ठीक है, बढ़िया प्रिपरेशन कराया जाएगा, सारे चीज का नोट्स, जैसे आप एकदम डीपली पढ़ाया जाएगा, बढ़िया कि आप हर चीज का प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक पढ़ाई करो बस एग्जाम, तो ऐसा नहीं, यही आपका एग्जाम सीयूटी में भी पूछता है, जो सीयूटी बहुत हम प्रेफर कर दिया है ना, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक है, तो आ सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपके आसपास भी है, फ्रेंड्स वगैरह भी बता सकते हो कि हाँ आ जाओ क्लासेस ज्वाइन, बहुत ज़्यादा फीस वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको सब कुछ बुकलेट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। जो गुरु बीजाणु होता है ना, अगर ये भी लघु बीजाणु की बात करें, तो वो हमारा क्या होता है, परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, जो क्या होता है, मेल पुष्प पे पाया जाता है, ठीक है, जो क्या होता है, मेल पुष्प पे पाया जाता है, ठीक है।
तो वही बोल रहा है इसमें गुरु विचार जो मातृ कोशिका से क्या बनता है, ये मतलब फीमेल में पाया जाता है। ध्यान सुनना, अगर लघु बीजाणु बोलेगा तो क्या होता है, मेल में होता है। यहाँ पे नीचे लिखा है ना, ये क्या होता है, मेल में। ये कभी इसका आंसर नहीं हो सकता है। ध्यान सुनना, लघु बीजाणु जो होता है वो मेल पार्ट, मेल फ्लावर्स में होता है, लेकिन गुरु बीजाणु जो होता है वो फीमेल फ्लावर्स में होता है, जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, ना तो लघु बीजाणु बनता है, ना तो चालजा बनता है, ना तो गुरु बीजाणु धानी बनता है। बनता क्या है, गुरु बीजाणु। और ये किसमें होता है, तो हमारे मेल फीमेल फ्लावर्स में होता है। ये चीज में ध्यान रखना, ठीक है। ये किसमें होता है, आपका फीमेल फ्लावर में। अगर यही भी इसकी बात करें तो ये हमारे किसमें होते हैं, मेल फ्लावर में। और इसको एक और नाम से जानते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, कि लघु बीजाणु क्या होता है आपका, मेल में होता है, ठीक है। लघु बीजाणु क्या होता है आपका, मेल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते कौन सा है, ठीक है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, ठीक है। यहाँ पे निर्माण लिख लीजिएगा, गलती से मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है, हम इसको सही कर देते हैं। ओके, तो लिखा क्या है आपका, बात कर रहा है कि जो मानव का शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, ठीक है, तो कहाँ, केंद्रक में होता है, लाइसोसोम द्वारा, गॉल्जी को द्वारा, या फिर अंतः प्रद्यूपी जालिका द्वारा, ठीक है। अंतः प्रद्यूपी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है ना, जो उभरा हुआ उभरा हुआ होता है वही। तो देखो ध्यान सुनो, अगर हम बात करें तुम्हारा शुक्राणु की बात करें, ठीक है, शुक्राणु की बात, तो शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, टेल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। ये इसका क्या होता है, मिडिल पीस होता है। क्या होता है, ये मिडिल पीस होता है, ठीक है, मिडिल पीस होता है। और ये इसका क्या होता है, हेड होता है। और यही पे जो होता है टोपी नुमा जो संरचना होती है ना, इसको ही बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग एक्रोसोम कहा जाता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोला था, एक्रोसोम कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपका जो है ना, कहीं से भी कोई से भी पूछ देगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो सेम सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर का क्वेश्चन मारने से क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए आपको अगर चार ऑप्शन दे रखा है ना, तो उसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि ये कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गॉल्जी काय में होता है। जो ये एक्रोसोम है ना, इसका मेन पर्पज होता क्या है, तो जो ओवा होता है ना, ओवा की बात करें, इसकी संख्या क्या होती है, यन होती है। इसकी संख्या भी क्या होती है, यन होती है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा जायगोट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे जायगोट बनाते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है, टू यन होती है, ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है, हमारी टू यन होती है। और ये बनाते क्या है, जायगोट। इसके बाद सेल डिविजन करता है, ग्रोथ होता है, जिसके बाद एक लास्ट में बात करते 9 महीने के बाद बेबी का फॉर्मेशन होता है, फुल्ली डेवलप। तो इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा गाल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये गाल्जी काय के द्वारा होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, देखिएगा, दिया है पुष्पी पौधों में नर का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है। पुष्पी बोल रहा है कि पुष्पी पौधों में नर का निर्माण किसके विभाजन से होता है। कायिक कोशिका, लघु बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। तो बताइए इसमें किसके निर्माण से होता है, पुष्पी पौधों में नर का निर्माण, मतलब मेल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है।
काय की कोशिकाएं, देखिए काय की कोशिकाएं द्वारा कभी मेल का निर्माण नहीं होता है। कि काय कोशिकाएं क्या होती है, सेल डिवीजन करने का कार्य, जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। उसमें मेल फीमेल आता ही नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल जनक का पेड़ होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बताइए इतना आराम से पढ़ा रहे हैं ना, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु होता है ना, क्योंकि ये पराक्कड़ होता है। लघु बीजाणु जो होता है ये हमारा पराक्कड़ होता है, तो ये कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो ये बोला है नर का निर्माण मतलब मेल का फॉर्मेशन किसके विभाजन से, कौन सा टूटता है तो उसके विभाजन से होता है, ठीक है, विभाजन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जनन कोशिका, क्या हो जाएगा हमारा, जनन कोशिका के द्वारा होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा होता है। क्लियर बात है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है इस विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, क्या बोला, ये अनुवांशिक पदार्थ है, सॉरी बहुत काम हो रखी है मुझे, बताइए एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल आ गया है, तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। देखिए जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो क्या करता है, हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, मतलब ट्रांसफर होता रहता है, हमारे दादा से परदादा से उसके दादा परदादा मम्मी पापा में, इन लोगों में आया, ठीक है, इन लोगों में आया, एक मिनट, ठीक है, तो इनके मम्मी पापा में आया, उनसे क्या हुआ, हमारे में आया, हमारे से क्या होगा, हमारे बच्चे में जाएगा। तो ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, वो ट्रांसफर होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जो हमारे एड्स के विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल की बात करें, एक कुंडली डीएनए के द्वारा होता है, एक कुंडली आरएनए, एक बार ध्यान सुनेगा, वैसे लगभग सारे मनुष्य या फिर एनिमल्स की बात करें, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन जो ये एड्स का विषाणु होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसका पूरा नाम होता है, उसमें एचआईवी का विषाणु पाया, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, वो होता है। और इसमें जो हमारा पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक कुंडली आरएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एक कुंडली आरएनए, सेकेंड वाला, ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, सेकेंड वाला होता है, ठीक, क्लियर बातें आता, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैंक्रिया, ठीक है, फैंक्रिया है क्या, एक क्या है ये, जैव उर्वरक है, ऐसे होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है, जैसे शैवाल होता है आपका, एल्गी होता है, वायरस होता है, विषाणु होता है, ऐसे ही जो फ्रेंकिया होता है वो क्या होता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखा है ना, आप लोग क्या करें, ऐसे नहीं कि बस हमें करवाती रहूं आप करते रहो, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है, ऐसा मत किया करो, आप उसके साथ क्या किया करो, अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो डेफिनेटली अभी स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, हर चीज आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करते रहोगे ना, वैसे वैसे सारी चीजें क्या होती, आसान होती रहती है, ठीक है। तो फ्रैंक्रिया क्या है, एक जैव उर्वरक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक जैव उर्वरक का कार्य करता है, जैसे नहीं होता जैव उर्वरक, अभी बात करें जो गोबर वगैरह होता है, तो बोलते हैं ना ये सड़ जाता है, तो खेतों में बहुत ज्यादा उपजाऊ करने के लिए कीटनाशक क्या करता है, आवश्यकता नहीं पड़ता, हम लोग इसी से सारी चीजें हो जाती है ना, एक खाद के रूप में कार्य करता है, क्या करता है, एक खाद के रूप में कार्य करता है, ओके, क्लियर है, एक खाद के रूप में क्या होता है, यह कार्य करता है। तो इतनी बातें समझ में आई आप लोगों की, बताइए, तो ये क्या होता है, एक खाद के रूप में कार्य करता है, इतनी बातें बस याद है, जो फ्रैंक्रिया होता है ये क्या होता है, एक जैव उर्वरक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर देना है क्या, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, ठीक है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण है, क्या है, बालों का रंग है,
त्वचा का रंग है, नाक का आकार है, आंखों का रंग है। तो बताइए मात्रात्मक की बात किया है, तो मात्रात्मक क्या होता है, जो अपने मम्मी पापा से जेनेटिक की बात किया है। बालों का कलर क्या है, आप वैसे भी अब भी कलर करवा सकते हो, किसी भी कलर में करवा सकते हो। उसके बाद क्या है, त्वचा का कलर है, ठीक है। नाक का आकार जरूरी थोड़ी है, नाक का आकार ठीक है, उसको भी सर्जरी करवा सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, आंखों का रंग, आंखों का रंग क्या है, लेंस के द्वारा भी चेंज कर सकती हो। लेकिन त्वचा का रंग क्या है, ये हमारे मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण में आता है, ठीक है, उदाहरण में ये हमारे उसमें अंतर्गत आता रहता है। क्लियर बात है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दे रखा है, इसका आंसर बताइएगा। दिया है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, ठीक है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, ठीक है। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, पूरक जीन, युग्म विकल्पी, संपूरक जीन या फिर विषम युग्मकी जीन, बताइए क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसका आंसर बताइए। तो ये क्या होता है, युग्म विकल्पी होते हैं। क्या होते हैं, युग्म विकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है क्या, मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियास्पोर या फिर ख ग दोनों। तो बताइए जो पेनिसिलियम है वो क्या उत्पादित करता है। तो बात है जो पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम नोटेटम है, जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें, हमारी एक दवाई है, तो उसकी उत्पादित कौन करता है, तो उसके पास जूस्पोर भी हो जाएगा और मियोस्पोर, मतलब बात कर सकते हैं मीटोस्पोर और मियोस्पोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका घ वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निषेचन आंतरिक होता है, किसमें होता है, बोला है निषेचन इसमें आंतरिक होता है, किसमें, तारा मछली में होता है, सार्क में होता है, हड्डीदार मछली में होता है, उभयचर में होता है। तो अगर बात करें निषेचन आंतरिक मतलब बॉडी के अंदर, तो सार्क में होता है, ठीक है, किसमें होता है, सार्क में होता है। क्लियर बात है यहाँ तक, ओके। बाहर निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन। देखो बाहर निषेचन में क्या होता है, शरीर के बाहर निषेचन, जैसे मेढक वगैरह होता है ना, तो उसमें क्या होता है, शरीर के बाहर, उभयचर ये लिखा है, हड्डीदार मछली लिखा है, तो लोग अंडे देते हैं, ध्यान सुना, जो तारा मछली है ना, जो स्टार फिश जिसको बोलते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अंडे क्या होगा, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर बच्चे निकलते हैं। लेकिन सार्क क्या होता है, बच्चा देता है, ठीक है, और वो क्या होता है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है उसका, ना कि शरीर के बाहर होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। लेकिन मछली क्या होते हैं, तारा मछली और उभयचर क्या होते हैं, शरीर के बाहर, मतलब अंडा दे देते हैं पानी में, और उनका वही ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सार्क में, इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिमिक्री की उपयोगिता कहाँ होती है। तो बात करें छिपने, मिमिक्री की उपयोगिता कहाँ पे होती है, तो ये छिपने के लिए होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख वाला, ठीक है। अब फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवक मूलक एक सहजीवी संघ है, क्या है, कवक मूलक एक सहजीवी संघ है, ठीक है, एक सहजीवी संघ है, इसका क्या उदाहरण हो जाएगा। तो सवाल तथा क्या, पौधों के बीच में, यहाँ पे लिख लिया तथा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा, ठीक है, तथा सवाल तथा पौधों के बीच में, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच में, सवाल तथा कवक, ये क्या हो जाएगा, कवक मूल, तो सवाल तथा कवक, ठीक है, दोनों को मिला क्या हो जाएगा आपका, कवक मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दीजिएगा इसका आंसर, कि अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, किसके नीचे होता है। तो पीएच है, अम्लीय वर्षा है तो एसिड होगा, इसके ऊपर जाएगा तो सबको बेस में आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, अम्लीय में आता, अम्लीय मतलब पता है ना, मतलब बहुत ही एसिड, ठीक है, अम्लीय लिख दिया है तो एसिड का मतलब, और आपको पता है कितने पे बेस होता है, कितने पे क्षार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। तो कार्बन दिनांक तथा कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है, कार्बन दिनांक तथा कार्बन डेटिंग के द्वारा ये मापी जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि डायनासोर है तो यह क्या है, विलुप्त सरीसृप था, ठीक है, आदिम नहीं है, विलुप्त उभयचर भी नहीं है, लेकिन यह क्या है, सरीसृप में आता है। ओके, लास्ट का तीन क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए। दिया क्या है कि सोनोजोइक युग जाना जाता है, ठीक है, सोनोजोइक युग जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है बताइए, तो ये स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है, ठीक है, ये क्या है, एक पीरियोडिक आपका टाइम है, एक काल है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पीरियोडिक टाइम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आरएनए जो डीएनए से बनता है उसे क्या कहते हैं, तो सीडीएनए, सीडीएनए क्या होता है, ये आरएनए से क्या होता है, जो डीएनए बनता है, ठीक है, आरएनए से क्या होता है, ये डीएनए बनने का कार्य होता है, ठीक है, और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉड होता है, और डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तक, व्हेल के फ्लिपर, ठीक है, वेल के फीपर, ये सब क्या होते हैं, बहुलीकरण होते हैं, क्या होते हैं, बहुलीकरण होते हैं, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है आपका, टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है, बात करते हैं इसका, थर्मस ऑक्टिकस द्वारा, ये किसके द्वारा होता है, थर्मस ऑक्टिकस के द्वारा, ऑप्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो क्लियर है आज हम लोगों ने क्या क्या किया, एक बार रिवीजन कर देती हूँ, मैंने 20 आप लोगों का क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। अगर आप चाहते हैं आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो, आप कहीं और रहते हैं, नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं आपको टाइम है स्कूल जाने के लिए, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट महीने पढ़ाया जाए, तो ऐसा नहीं, 2-3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, PYP बुकलेट वगैरह, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से जितना मिलेगा उतना ही पढ़कर आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। क्लियर है बातें, तो आज के लिए बोले थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह दूसरे क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।